अस्सलाम वालेकुम भाई। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक होंगे भाइयों और बहनों, अगर बहनें देखती हैं तो वही उम्मीदें आप सब लोग ठीक होंगे। और जो है आज जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शूज़ के लिए। शूज़ के लिए मैं ऑटोबान गया था क्योंकि जुम्मे का दिन था, वरना मेरा इरादा था कि मैं कहीं और जाऊँ, पुल सेंटर या फिर कोई ऑनलाइन वगैरह में देखूँ। ऑनलाइन मुझे मिला नहीं, एक शूज़ थे जो अच्छे थे लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक थे, तो ब्लू कलर में मिल रहे थे और मेरी साइज़ में भी नहीं मिल रहे थे, मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थे। खैर, तो वो सब होने के बाद मैं गया ऑटोबान, और कल जुमा था इसलिए और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो ऑटोबान खुला रहता है क्योंकि जुमे के दिन भी, तो मैं वहाँ चला गया। और वहाँ पे आप देखें। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कैसे हैं आप सब? उम्मीदें ठीक ही होंगे। और भाई आज मैं जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए। शॉपिंग का पहला मरहला है शूज़। शूज़ हमें ढूंढने हैं ऐसे जो कि फॉर्मल हो और ब्लैक हो, क्योंकि मेरे पास ब्लैक शूज़ नहीं है और फॉर्मल शूज़ जो हैं वो मेरे पुराने हो गए, तो इसलिए अभी हम ब्लैक फॉर्मल शूज़ लेने जा रहे हैं। उसके बाद फिर शर्ट्स और पैंट्स की बारी आएगी, तो फिर वो बाद में, अभी हम जा रहे हैं शूज़ ढूंढने। हाँ तो भाई, शूज़ जो थे वो ये वाले मैंने लिए, ये लॉर्ड्स शूज़। ये बचपन से ही ये जो है शॉपर देखते आ रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छे शूज़ होते हैं इनके। वैसे मतलब एक बार लेते हैं तो फिर बार बार इतना उसमें वो लेने की वो नहीं होती। तो ये जो है ये शूज़ हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका मैं सिनेमेटिक वगैरह नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। प्राइस के हिसाब से भी अच्छे हैं और मेरे हिसाब से भी अच्छे हैं, क्योंकि मुझे ब्लैक चाहिए थे, फॉर्मल चाहिए थे, तो ये मुझे मिल गए। मुझे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अपनी घड़ी, क्योंकि घड़ी भी लेते वक्त मैंने इतना कुछ खास रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ खास क्या, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी। तो चले मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इसको मैं रखूँ डब्बे में। तो भाई घड़ी जो थी वो ये टॉमी कंपनी की ली है, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है वैसे, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। ये जो है घड़ी का प्यारी है वैसे, मुझे अच्छी लगी। तो ये भी मतलब एक फायर टाइप की प्राइस में मिल गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ले ली जाए। वैसे भी मुझे घड़ी चाहिए थी, तो ये घड़ी अच्छी है मेरे लिए, तो अच्छी है काफी। खैर, उसके बाद मैं गया था गुल सेंटर, उसके नज़ारे आप देख लें। हाँ तो भाई, हो के आ गए गुल सेंटर से। ये भी इतनी कोई खास मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, लेकिन जितनी भी की थी आपको मैंने दिखा दी। खैर, अभी जो है एक शर्ट तो मेरी ये मुझे अच्छी लगी काफ़ी। इस पे लिखा हुआ है से यस, और इसको मैं ज़्यादा अनफोल्ड नहीं करूँगा क्योंकि ये फोल्ड होने में टाइम लेती है। तो से यस टू एवरीथिंग मे बी, बट ये निकल गया भाई। ऐसे बाद में नहीं निकल जाना कभी, ऐसा ना हो चलते चलते निकल जाए और पता भी ना लगे। खैर, अभी इसको मैं दोबारा बंद करके रखता हूँ। अफसोस मुझे आपके लिए हो रहा है कि आपको ये सब देखना पड़ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसके अलावा जो है मैंने एक प्लेन वाइट शर्ट ली थी, जो कि मुझे इतने दिनों से शदीद किल्लत महसूस हो रही थी उसकी, तो मैंने ले ली। ये भी पोलो शर्ट ही है, लेकिन मतलब वो टी शर्ट जो होती है वो है, तो अच्छी है। इसको हम अच्छे से डिज़ाइन, सर्दियों में ये काफ़ी काम आएगी, मतलब आउटफिट डिज़ाइन करने में ये काफ़ी काम आएगी। बाकी दूसरी जो है वो ये शर्ट ली थी मैंने, तो ये कलर मुझे प्यारा लगा, तो ये मुझ पर सूट करेगा पता नहीं, नहीं लेकिन उस टाइम सूट कर रहा था तो अभी भी सूट करेगा ही। तो चलिए ये सब हो गया,
और इसके अलावा मैंने एक ट्राउज़र भी लिया, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं अगर मैं अभी के अभी ना इसको मैं सेट करके नहीं रखूँगा तो बाद में मैं भूल जाऊँगा, और मैं अगर भूल गया तो ये फिर यहीं पे पड़ा रहेगा, तो इसलिए मैं इसको बार बार टॉपर में डाल के रख रहा हूँ ताकि ये मैं भूल ना जाऊँ। अच्छा, ट्राउज़र जो है वो ये, इसमें पॉकेट्स जो हैं वो दोनों साइड से भी है और बैक पॉकेट भी है, तो ये काफ़ी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। ये हम मतलब नॉर्मल ड्रेसिंग के हिसाब से भी पहन सकते हैं, तो मुझे तो अच्छा लगा भाई, काफ़ी अच्छा है ऐसे, क्योंकि ट्राउज़र्स जो है ना वो थोड़ा खुला माहौल आपको महसूस होता है, तो इसलिए मैंने ट्राउज़र ही लिया। पैंट इस बार मैंने नहीं ली, तो देखते हैं, पैंट भी लेंगे लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे वाइट पैंट की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर अगली ईद पे। और वैसे भी कौन सा मैं मॉडल हूँ कोई जो मुझे इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी कोई खास वाइट पैंट की, तो भाई इसी के साथ मैं ये यहाँ तक का ख़त्म करता हूँ फिर। तो भाई इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, और अब हम मिलेंगे ईद पे या फिर ईद से पहले, कुछ पता नहीं है मेरा। खैर, जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, तो इसलिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे रील्स को आप देखना मत भूलिएगा जो कि इंस्टा पे होते हैं, तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिए, बहुत आपको अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलेंगे। और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब। ओके, बाय।